आज तक कुकर को ब्लास्ट होते हुए शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन आज हम कुकर को ब्लास्ट करने की तैयारी करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिएगा कि कुकर जब ब्लास्ट होता है तो किस प्रकार होता है, और इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, आज हमारे पास है ये आम जिंदगी में काम आने वाला प्रेशर कुकर। और दोस्तों, आप सुनते हैं कि कई बार हमें न्यूज मिलती है कि किचन के अंदर प्रेशर कुकर फट जाता है, और फटते हुए आप लोगों में से शायद ही किसी ने इसको देखा होगा, और जो जिसने भी देखा होगा उसको या तो शायद चोट लगी होगी या फिर कई कई बार हादसों के अंदर प्रेशर कुकर फटने के कारण इंसान की मौत भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसकी रियल टेस्टिंग कराने वाले हैं। हम इसको इस खुले ग्राउंड के अंदर ब्लास्ट करके उस कुकर को फटाकर देखने वाले हैं कि प्रेशर कुकर कैसे फटता है, और प्रेशर कुकर फटने के बाद उसमें क्या क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा ना तो आपने पहले देखा होगा और ना ही आपने शायद ऐसा किया होगा, और आप ऐसा करने की ट्राई भी मत करना, क्योंकि हम ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है खुले ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं और पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। तो इस प्रेशर कुकर को आज हम ब्लास्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि प्रेशर कुकर जब फटता है तो किस प्रकार फटता है। तो दोस्तों यार, कुकर को ब्लास्ट करवाने के लिए हमें इसके अंदर पानी भर लिया है। पानी को हम बहुत ही ज्यादा बॉइल कर लेंगे, और बॉइल करने के बाद ये ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन में आमतौर पर क्या होता है कि विसल बजती है, लेकिन आज हमने विसल बजाने वाला काम बंद कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एम सील का प्रयोग करते हुए यहाँ पे विसल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने के बाद मैं ढक्कन लगा दूंगा, गैस पे चढ़ा दूंगा, और उसके बाद जो इसका प्रेशर है इसके अंदर ही रह जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ये कुकर किस प्रकार ब्लास्ट होता है, कितनी देर के अंदर ब्लास्ट होता है और क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अगर कुकर को ब्लास्ट होते हुए आप आज पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करना 100% बनता ही है, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए सभी के साथ। देखते हैं कि कुकर ब्लास्ट होने में कितना टाइम लगता है और किस प्रकार ये ब्लास्ट होता है। सभी चीजें कर दी लाइक, शेयर, कमेंट कर दिया, तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं और पानी को बहुत ज्यादा बॉइल कर लेते हैं। तो यार दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो नीचे शेयर का बटन है उसे भी दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप शेयर करते हैं तो हमारा ही हौसला बढ़ता है ऐसे ही कमाल के वीडियोज बनाने का, इसलिए शेयर करना मत भूलना। यहाँ पे फ्लेम ऑन हो चुकी है, शायद आपको कैमरे में नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है। तो अब ये पानी थोड़ी देर बॉईल होगा, उसके बाद मैं ढक्कन लगा दूंगा। तो गाइज, फाइनली पानी जो इसके अंदर है बहुत ज्यादा बॉईल हो चुका है। अब मैं ढक्कन लगा देता हूँ, विसल ब्लॉक है, चारों तरफ के छेद ब्लॉक है, प्रेशर अंदर ही क्रिएट होगा, उसके बाद देखते हैं फटता है या नहीं। एक्सपेरिमेंट है, कितना टाइम लगता है कुछ कहा नहीं जा सकता। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो नीचे शेयर का बटन है उसे भी दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप शेयर करते हैं तो हमारा ही हौसला बढ़ता है ऐसे ही कमाल के वीडियोस बनाने का, इसलिए शेयर करना मत भूलना।
तो गाइस यार आपने देखा ना कि कितनी देर बाद ये प्रेशर कुकर जो है ब्लास्ट हुआ। करीब 25 मिनट लगे और ब्लास्ट होने के बाद वहाँ जो जगह की हालत होती है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार। यहाँ पे ये प्रेशर कुकर है जो पूरी तरीके से पीछे से बैंड हुआ है और ये जो हमारा गैस का चूल्हा है उसकी तो इसने पूरी बैंड बजा दी है। और ढक्कन में आपको दिखाऊं तो हमारा वो टीममेट है वो देखिए ढक्कन लेके आ रहा है कुकर का और ढक्कन जो है यहाँ पे उछल के आ गया और ढक्कन कुछ इस प्रकार का हो चुका। तो दोस्तों प्रेशर कुकर जब फटता है तो बहुत ही विध्वंसक होता है वहां का नजारा। और आप हमेशा इसकी सीटी जरूर चेक कीजिए, विसल बजे तभी उसको रियूज में लीजिए वरना मत लीजिए। हमने एक्सपेरिमेंट के पर्पज से इसको दिखाया था, पूरे खुले ग्राउंड में ये किया था। आप ऐसा कुछ भी और कहीं भी ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना और हमेशा इसकी सीटी चेक करना, नहीं तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हम मिलते हैं ऐसे ही और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।